बाकी है, लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन यह भी है कि डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी आप मेरे ठीक बाएं बैठे हुए हैं, आप यहाँ राज्यसभा के लिए आज पर्चा भरा है और निर्विरोध आप चुनाव जीतेंगे, क्योंकि चुनाव अब होगा नहीं, दो ही सीटें थी, दो सीट में दो ही लोगों ने भरा है। पहले उनको बधाई, अपने राकेश जी, अपने संगठन के आदरणीय महामंत्री जी श्रीमान करमवीर जी, और आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के 10 साल के गरीब कल्याण की जो योजनाएं गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, वंचित, शोषित, महिलाओं, युवाओं के लिए मोदी जी ने किया है काम, अब चुनाव के समय अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जन जन की आवाज़ को अपने भाषाओं में, अपने लोकगीत के धुनों पर लोगों ने अपना जो है एक श्रद्धा के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है। ऐसे ही अपने अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के मंत्री हैं कमलेश राम जी, उन्होंने इस मोदी जी के 10 साल के जन कल्याण के कार्यों को एक संगीतमय, एक कह सकते हैं कि लिरिक्स के रूप में उनको लिखा है, और हासिब राजा जी ने इसको आवाज़ दी है। मर्दाना झूमर का एक बहुत बेहतरीन नागपुरी भाषा में यह गीत को गाया गया है, अभी आप लोगों ने सुना भी, यह बहुत कर्णप्रिय भी है और बहुत लोकप्रिय भी होने वाला है, ऐसा हम सब गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में मोदी जी के काम को हम उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की आवाज़ों में जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। और आज आपके माध्यम से यह अपने युवा कार्यकर्ता हैं, इनकी इच्छा थी कि भाई हमने किया है तो आप सब लोग इनको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, जनता के बीच लाने के लिए काम करें, तो आज हम लोगों ने उनको इस कार्य के लिए बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है, आगे भी अच्छा करें। और यह गीत अब चुनावी प्रचार के रूप में भी और जनता की आवाज़ के रूप में भी, क्योंकि जो भी विषय बताए गए हैं वो पूरे 10 साल में आज झारखंड की जनता के लिए हम लोगों ने सर्वसुलभ कराया है। मोदी जी की योजनाएँ, मोदी जी की गारंटी हम लोगों ने घर घर तक पहुँचाई है, और 2024 में देश को आगे बढ़ाने की गारंटी मोदी जी ने जो दिया है उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और वापस 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.